सुलह विधानसभा क्षेत्र के गांव खैरा के शहीद दिनेश राणा की, जिन्होंने 15 अगस्त 2001 में जम्मू कश्मीर कैथल में शहादत पाई थी। सरकार ने उस समय शहीद दिनेश राणा के याद में एक स्मारक द्वार बनवा दिया, लेकिन आज यह द्वार खुद अपनी दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। यहाँ बात हो रही है शहीद दिनेश राणा की याद में बना शहीदी स्मारक द्वार का, जो काफी खस्ता हाल हो गया है। अब उसे सुधारने की कोई सुध नहीं ले रहा है। शहीद दिनेश राणा खैरा निवासी थे, जो 15 अगस्त 2001 को शहीद हुए थे। दिनेश राणा ने 2 उग्रवादियों को मार कर फिर देश के लिए जम्मू कश्मीर कैथल गांव में अपने प्राण न्यौछावर किए। दिनेश राणा 23 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी में थे। परिजनों का कहना है कि 18 साल हो गए हैं दिनेश राणा को शहीद हुए। जो उनके नाम का शहीद स्मारक द्वार बना है, वो आज बदहाली के आंसू रो रहा है। परिजनों ने बताया कि कई बार भाजपा और कांग्रेस के विधायकों को बता चुके हैं, लेकिन आज दिन न तो विधान विभाग ने और न ही मंत्रियों ने इसे सुधारने की सुध ली। माता जी, आपका नाम? माता, ये कब से द्वार खराब पड़ा हुआ है, शहीद स्मारक द्वार? नेता लोगों ने करी कोई कार्रवाई, जैसे मतलब बनाया इसको नेता लोगों ने बनाया इसको संत कुमार जी है ना सारी उस बारे का है। उसके बाद नहीं बना? ना ना, उसके बाद कुछ नहीं मिले, कुछ किस्ता निकला आई तो सारे जमदे में बनाया, कुछ नहीं मिले कुछ। इसको बने हुए कम से कम 18 साल हो गया, जब शांता कुमार थे ना एमपी, तब उन्होंने दिए थे 1 लाख रुपये ना, तब ये बढ़ा गया। उसके बाद आज दिन तक किसी ने देखा नहीं इसकी साइड। घोषणा की कांग्रेस पार्टी आई, उसने घोषणा की, उनके MLA उसने घोषणा की, अभी BJP के MLA है उन्होंने घोषणा की, लेकिन अभी कोई ध्यान नहीं दिया इस गेट के बारे में। सर, इसमें क्या समझते हैं कि सैनिकों के साथ क्या हो रहा है? ये तो मतभेद हो रहा, फिर अन्याय है सर। अन्याय है, बहुत ज़्यादा अन्याय है, सैनिकों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। अनदेखी कर रही है। प्रशासन को बताया आपने? बहुत बार बताया। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। अपने पूर्व विधायक या विधायक को जो अभी पूर्व विधायक को जो अभी विधायक है उनको भी बोले हुए ना, 2018 को बोला उन्होंने घोषणा की, ऐसे जब सेनारी माँ का मंदिर मिला होता ना यहाँ स्थाई, एक मिनट, उससे पहले जो यहाँ थे पूर्व विधायक थे श्री जगजीन पाल जी ना, उन्होंने बोला, उनके हम घर गए थे एक जत्था बन के यहाँ गए कि गेट के बारे की बहुत बुरी गेट की बहुत बुरी हालत है, तो उन्होंने बोला कि आप उधर जाओ उस साइड, पता क्या नाम है उस साइड, डाटी सांबा साइड जाओ, उधर गेट बनाए तो देख के आओ। तो मैं और हमारे यहाँ के भाई है श्री बलवंत राणा, हम दोनों चले गए सुबह, सर्दियों का टाइम था, उस गेट को देख के आ गए। जब गेट को देख के आए तो विधायक साहब श्री जगजीवन पाल थे, तो किदारा में मिले, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, हमने मोटरसाइकिल रोक दिया। उन्होंने बोला कहाँ से आए, बोले आपने भेजा था गेट देखने के लिए, हम देख के आए। बोले ठीक है, अब गेट बन जाएगा। फिर उसके बाद उनकी पार्टी सत्ता से चली गई, फिर आ गए दूसरे विधायक, तो फिर उन्होंने भी घोषणा की अभी 2019 में हो जाएंगे 27 मई को ना, बस घोषणा की 2 लाख की, कोई आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं कुछ नहीं। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि बहुत जल्द दिनेश राणा के नाम पर बने शहीद स्मारक द्वार को सही करा दिया जाएगा। इस बारे में पालमपुर SDM ने बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने उनसे संपर्क नहीं हो पाया। ग्राम पंचायत प्रधान अपर खैरा डॉक्टर रविदत्त शर्मा ने बताया कि इस बारे में मंत्री जी को बताया गया है, इन्होंने इसे सुधारने का आश्वासन दिया है।